आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आवाज़ हो गई डाउन सफाई करते करते, मैं थक चुकी हूँ। इस समय भी मैं स्टोर साफ कर रही हूँ, बहुत थकान लग गई है। बारिश होने लगी है, रोज़ाना बारिश हो ही जा रही है, तो मौसम वैसे ठंडा सा ही है। कल रात को हिमाद्री ने क्या करा, शाम को आइसक्रीम खा दी, दो तीन मानी नहीं, तो उसे रात को उसे वॉमिट हो गई। वैसे सही है इस समय वो, तो बस सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। आधा स्टोर मैंने साफ़ कर दिया, आधा रह गया, एक छोटा स्टोर और रह गया साफ़ करने के लिए, और लगभग मेरी सफाई हो गई कंप्लीट। कपड़ों की अलमारी वगैरह मैंने कोई साफ़ नहीं करी है, क्योंकि मुझे साफ़ ही लग रही थी, फिर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब मैं सफ़ाई करूँगी। और वैसे जितना करना था मैंने सफ़ाई कर दी है। बच्चे खेलने में लगे हुए हैं इधर से उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, उनके खेल ही चलते रहते हैं। और आज थी अष्टमी, मेरे पापा का श्राद्ध, तो मैंने गौग्रास दिया और खीर बना दी गाय माँ के लिए। वैसे तो जो श्राद्ध है वो मेरे ताई लोग जो हैं उनके बेटे करते हैं, लेकिन मेरे पिता हैं तो मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने ऐसा करा। और जो मेरी सिस्टर है वो वहाँ दिल्ली में मंदिर में खीर बांट देती है। और बस सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। वैसे तो बारिश का मौसम हो गया, अगर बारिश मतलब नहीं रहती और नीचे पानी नहीं आता है तो मैं कोसी किनारे आज चली जाऊंगी, थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूंगी, देखती हूँ जा पाती हूँ या नहीं जा पाती, वरना फील्ड से ही व्यू देखेंगे। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे मैं थोड़ी देर। सब बच्चे यहाँ खेल रहे हैं फील्ड में, और मैं कल जा रही हूँ हल्द्वानी। या पता नहीं ये वीडियो कब आती, कब मैं एडिटिंग कर पाती हूँ, मैंने कहा बना तो देती हूँ वीडियो। शाम को अच्छा लगता है, सफाई करते करते थक गई तो मैंने सोचा थोड़ा सा घूमा जाए, थोड़ी सी वीडियो बना ही लेती हूँ। इस समय सब बच्चे आए हुए हैं अपने अपने ग्रुप वालों के साथ, सब खेल रहे हैं। मैं कोसी की तरफ देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने कहा है नीचे मत जाना, क्योंकि कब कोसी तेज आ जाए पता नहीं, तो ऊपर से ही देख रही हूँ। फ्लो तो खैर पहले से तेज है। नहीं बेटा चलो, अच्छा थोड़ा सा किनारे तक जाते हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं, लेकिन किनारे किनारे रहेंगे। पहले सीढ़ियाँ नहीं थी, अब सीढ़ियाँ हैं, तो इसलिए सही लगता है जाने में। ढंग से आराम से जाओ बच्चों, हर जगह तेजी रहती है, ये भी टूटने लगी हैं सीढ़ियाँ, मुझे लग रहा है कुछ समय बाद ये भी टूट ही जाएंगे। पानी की मात्रा ज़्यादा ही हो गई है। आठ नौ दिन रही होंगी मैं शायद यहाँ पर, पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल जाते हैं। कितना अच्छा लगता है, पानी काफ़ी अब काफ़ी बढ़ गया है, बहुत चौड़ा हो गया है और क्वांटिटी भी ज़्यादा ही है। उस दिन तो काफ़ी कम थी, मैं आराम से आधी पानी तक चली गई थी, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक पत्थर में बैठ गई हूँ, छोटा सा पत्थर है, लेकिन अच्छा लगता है नदी के किनारे बैठना, बड़ा सुकून सा मिलता है। बच्चे भी खैर घर इतना किनारे नहीं है, और बच्चे वो जो डैम टाइप के बने हुए हैं उनके बैठे हुए हैं खड़े। कल से हल्द्वानी में फिर वही भीड़ भाड़ वाली जिंदगी, खैर जाना तो है, पास से घर का स्कूल खुल रहा है।
फिर यूनिफॉर्म भी लानी है, अभी तो मैंने यूनिफॉर्म नहीं खरीद रखी है घर की, बैग बुक्स तो सब हैं। और आज हिमाद्री का भी लास्ट असेसमेंट EVS का ख़त्म हो गया है, 20 out of 20 मार्क्स आए हैं, दोनों के असेसमेंट कम्प्लीट हो गए हैं, तो बड़ा सुकून से मिल गया है। अब घर का थर्ड जो होगा वो होगा स्कूल में ही, अब मेहनत करनी पड़ेगी घर को, क्योंकि 2 years से काफ़ी पढ़ाई का लॉस हुआ है, पढ़ता ही नहीं है जैसे पढ़ना चाहिए। और हिमाद्री तो घर में रहेगी। हाँ, बच्चे कह रहे थे मुझसे कि आप लिपस्टिक कैसी लगाई हुई, देखिए यहाँ पर गायब, इधर लिपस्टिक इधर, यहाँ लग गई है नहीं बाप रे, फैल भी गई, बड़े अजीब टाइप की लिपस्टिक लगा के लाई हूँ मैं। ये अंधेरा सा आ रहा है, ममता और किट्टू, और ये लगे हुए हिमाद्री और वंशिका। नहीं, पानी में नहीं जाना है, पानी तेज आ गया तो क्या होगा। बच्चों का कंपटीशन चल रहा है कौन कितनी दूर पत्थर फेंकेगा, मैं तो कहाँ फेंक रहा हूँ, ये ममता ने फेंका बहुत दूर फेंक रहे हैं, ये ममता का तो बहुत ही दूर गया, ये किट्टू का भी बहुत दूर गया, भैया मैं बैठ कर ही कितना मारूंगी, नहीं मेरा तो बहुत पास गया है, ये फेंका ममता खूब दूर जा रहा है, हिमाद्री तो यही बचा ये बच्चों के लिए हर जगह खेल हो जाते हैं, बच्चों के साथ बड़ा मजा आता है। अच्छा लगता है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर लिया है यहाँ पर, और थोड़ा सा पानी में उतर के थोड़ा पानी से भी छपछपाट कर लिया, थोड़े कपड़े मेरे देखिए सब गीले हो गए हैं। तो इसी के साथ मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अब घर जाती, थोड़ा सा मुझे सफाई करनी और रहेगी, एक स्टोर रूम रह गया है, तो सोच रही हूँ साफ कर लेती थी, खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बहुत ज़्यादा तो मैं रामनगर नहीं घूम पाई, बस गर्जिया देवी गई थी, बैराज तक नहीं जा पाई। इस बार जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपको अलग अलग जगह घुमाऊँगी, अगर ज़्यादा दिन के लिए आ पाई तो। फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।